हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर कैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सर कैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ग्रामर के छोटे से टॉपिक जिसका नाम क्वेश्चन टैग है के बारे में इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो आइए क्लासेस शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कि इसमें जो वक्ता होते हैं, बोलने वाले होते हैं, वो किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, लेकिन जिसको वो बोल रहे हैं उससे इसका कन्फर्मेशन मतलब जानना चाहते हैं। जैसे हम आपको समझाएं, तुम श्याम को जानते हो ना, इसका मतलब यहाँ जो वक्ता है, बोलने वाला है, वो श्याम को जानता है, लेकिन जिसको बोल रहा है उससे कन्फर्मेशन पूछ रहा है, कन्फर्म करवाना चाह रहा है। तुम श्याम को जानते हो ना, वह घर गए थे ना। जैसे वह घर गए थे, हमको पता है, लेकिन कंफर्म होना चाह रहे कि गए थे कि नहीं गए थे। ठीक है, तुम श्याम को नहीं जानते हो ना। तो देखिए, इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसमें ना लगा हो, ना आता हो, मतलब कंफर्मेशन का भाव हो, क्वेश्चन टैग में आता है, क्वेश्चन टैग कहलाता है। अब यह क्वेश्चन हो रहा है कि इस क्वेश्चन टैग को बनाते कैसे, कैसे बनता है। तो देखिए, इसमें दो चीजें हैं। अगर प्रश्न में नहीं लगा हो तो उसके क्वेश्चन टैग में नॉट जोड़ते हैं। अगर सेंटेंस में नॉट लगा हो तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लगाते हैं। क्या समझा है? आइए समझते हैं। जैसे तुम श्याम को जानते हो ना, यू नो श्याम। तुम श्याम को जानते हो ना, यू नो श्याम। देखिए, यहाँ भी इस वाक्य में जो है नहीं लगा हुआ है, इसीलिए इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डोंट यू। समझिए, तुम श्याम को जानते हो ना, यू नो श्याम, डोंट यू। तो ये जो डोंट यू हुआ, यही हमारा क्वेश्चन टैग है। यही क्या है? हमारा क्वेश्चन टैग है। वह घर गए थे ना, ही वेंट होम। वह घर गए थे, ही वेंट होम। अब इस वाक्य में कहीं भी नहीं लगा हुआ है, इसीलिए इसका हो जाएगा डिडंट ही। देखिए, समझा रहे आपको हम, तुम श्याम को नहीं जानते हो। देखिए, तुम श्याम को नहीं जानते हो, इस वाक्य में नहीं लगा हुआ है, तो यू डू नॉट नो श्याम, डू यू। तो यहां क्या गौर कर रहे हैं कि जब वाक्य में नहीं लगा होता है तो क्वेश्चन टैग में नॉट लगेगा, और जब वाक्य में सेंटेंस में नहीं लगा रहता है तब क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लगता है। ठीक है, अब यह होता कैसे ही देखते हैं। जैसे इसको पहले देख लीजिए, जैसे डू के साथ जब नॉट लगता है तो इसको डोंट लिखा जाता है। इस तरह से जब डू में नॉट को हम जोड़ेंगे तो यह क्या लिखा है? डोंट, डी ओ एन, ऐसे इनवर्टेड कॉमा टाइप का छोटा सा कॉमा टी, यही डोंट लिखा है। ठीक है, डज में जब नॉट जोड़ेंगे डजंट लिखाता है, डिड में नॉट जोड़ेंगे डिडंट लिखाता है, एम के बाद जब नॉट जुड़ता है तो आरंट लिखाता है। ध्यान में रखिएगा, एम प्लस नॉट भी आरंट होता है, इज प्लस नॉट इजंट होता है, आर प्लस नॉट आरंट होता है, माइट प्लस नॉट माइटंट होता है, वुड प्लस नॉट वुडंट होता है, कुड प्लस नॉट कुडंट होता है, हैव प्लस नॉट हैवंट होता है, हैज प्लस नॉट हैजंट होता है, हैड प्लस नॉट हैडंट होता है, वाज प्लस नॉट वाजंट होता है, वेयर प्लस नॉट वेरंट होता है, सेल प्लस नॉट सेंट होता है, विल प्लस नॉट ओंट होता है, सुड प्लस नॉट सुडंट होता है, आउट प्लस नॉट आउटंट होता है, मस्ट प्लस नॉट मस्टंट होता है, कैन प्लस नॉट कैंट होता है, मे प्लस नॉट मेंट होता है, नीड प्लस नॉट नीडेंट होता है, डेयर प्लस नॉट डेरेंट होता है, यूज्ड प्लस नॉट यूजंट होता है। देखिए, इस तरह से जब नॉट ऐड होगा तो इस तरह से बनता है। एक आध एग्जांपल और देते हैं तब आपको क्लियर होगा। आइए देखते हैं, जैसे ही कुछ एग्जांपल को देखते हैं। जैसे है, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? तो देखिए, यहां हम क्या बता रहे हैं, जब सेंटेंस में नॉट नहीं लगा हो तो उसके क्वेश्चन टैग में नॉट लगाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग में नॉट कैसे लगेगा इसका, जैसे अब देखिए इसमें नॉट नहीं है, सी इज ब्यूटीफुल है, तो इसका वर्ब क्या है? इज है। तो इज में क्या कर देंगे? नॉट लगा देंगे। तो अभी आपको पता है ना कि जब वर्ब दिखाए इज प्लस नॉट क्या होता है? इजंट होता है ना।
इज प्लस नॉट क्या होता है, इजेंट होता है, तो वही इजेंट लिख दिए इजेंट, उसके बाद यह सब्जेक्ट हमारा है वो सब्जेक्ट लिखा गया इजेंट सी। अब इसमें देखिए सी इज नॉट ब्यूटीफुल, इसमें हमारा क्या है नॉट लगा हुआ है, जब नॉट लगा हुआ है तो सिर्फ इसमें भार और ये सब्जेक्ट ले लेते हैं इज सी, समझ में ना क्या कह रहे हैं। जैसे राम डिड नॉट गो होम, इसमें क्या लगा है नॉट लगा हुआ है यहाँ पे, राम डिड नॉट गो होम, जब नॉट लगा हुआ है तो नॉट नहीं लिखेंगे, यह भार वो प्लस सब्जेक्ट लिखा जाएगा डिड राम। अब यहाँ देखिए राम वेंट होम, राम घर गया, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, जब नॉट नहीं लगा हुआ है पास्ट टेंस का है तो पास्ट टेंस में डिड लगता है ना, तो डिड प्लस नॉट क्या हो जाएगा, यह बनता है डिडंट, क्या बनता है डिडंट, तो वही डिडंट राम लिख दिए। आई एम राइट, आई एम राइट, इस वाक्य में कहीं भी नॉट नहीं लगा हुआ है, तो आपको बताया है कि एम के साथ जब नॉट लगाते हैं तो यह आरंट लिखाता है, क्या लिखाता है आरंट, तो यही लिखा गया आरंट आई। आई एम नॉट राइट, इसमें क्या है नॉट लगा हुआ है, तो जब नॉट लगा रहता है तो नॉट छोड़ देते हैं, बाद बाकी वर्ब और सब्जेक्ट ले देते हैं एम आई, समझ में आ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही क्या है इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन टैग, और यही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है इस एग्जाम में जो है पूछे भी जाते हैं। यू जैसे यू टेक टी, जैसे लिखते हैं यू टेक टी, यू टेक टी, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे क्या इस सेंटेंस में जो है हमारा जो है ये नॉट नहीं लगा हुआ है, जब नॉट नहीं है तो इसके क्या कर देंगे नॉट लगाएंगे, तो यू टेक टी हमारा सिंपल प्रेजेंट का है, ठीक है ना, तो इसमें क्या लगता है डू यू है तो डू लगेगा, तो डू तो यहाँ डोंट हो जाएगा, डोंट यू, डोंट यू, जैसे यू टेक टी है ना तो इसमें हम जैसे डू लगता है ना तो डू प्लस नॉट करेंगे तो क्या बनेगा भाई, तो ये बनेता है आपका डोंट, तो आई डोंट यू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लिखना भूलिएगा नहीं, ठीक है। अगर वहीं रहता है यहाँ पे, अगर वहीं यहाँ पर रहता है यू डू नॉट टेक टी, यू डू नॉट टेक टी, तब इसका क्या बनता है, तो देखिए यहाँ पे जब नॉट लगा हुआ है सेंटेंस में तो नॉट को छोड़ देंगे और डू बाद में जो बचेगा उसको लिख देंगे, तो यहाँ पर बच गया डू यू, डू यू, तो यही हमारा क्या हो गया क्वेश्चन टाइप हो गया। आइए कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। अब आइए कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मान लीजिए दे हैड नो फ्रेंड्स, दे हैड नो फ्रेंड्स, दे हैड नो फ्रेंड्स है, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, तो देखिए इसमें नो लगा हुआ, नो या नॉट लगा हुआ है, जब किसी सेंटेंस में नो या नॉट लगा हो तो उसको हटा देंगे, बाद में जो भार या सब्जेक्ट है दोनों को ऐड रख देंगे, कहने का मतलब हैड डे, हैड डे, यही क्या हो गया आपका क्वेश्चन टैग हो गया, यही क्या कहलाएगा क्वेश्चन टैग कहलाएगा, ठीक है ना। ये जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई कैन डू इट, आई कैन डू इट है, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, तो देखिए इस सेंटेंस में नॉट नहीं लगा हुआ है तो इसमें क्या कर देंगे, क्या कर देंगे कैंट आई, क्या कर देंगे कैंट आई, जब सेंटेंस में नॉट नहीं लगा हो तो इसके क्वेश्चन टैग में नॉट लगा दीजिए, जब सेंटेंस में नॉट लगा हो तो क्वेश्चन टैग में नॉट हटा दीजिए। तो यही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था क्वेश्चन टैग से रिलेटेड। तो सरकंडा ऑन एलडीसी क्लासेस में आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।